गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। तिरंगे के ताकत की बदौलत हुई वतन वापसी, परिवार की चिंता और वतन वापस लौटने की आस। सूडान में खानपुर के राधेश्याम के वो 8 दिन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर तिरंगे के ताकत की बदौलत खानपुर के राधेश्याम हुई वतन वापसी। आपको बता दें कि गृह युद्ध से ग्रस्त देश सूडान से सुरक्षित वापस लौटे खानपुर क्षेत्र के लौलहा निवासी राधेश्याम यादव घर वालों से मिलकर भावुक हो गए। बम, गोली बारूद, लूटपाट, आगजनी के बीच 8 दिन रहने के बाद अपने घर पहुंचे राधेश्याम ने बताया कि सितंबर महीने में वो ओमेगा कंपनी की ओर से सूडान की स्टील फैक्ट्री में काम करने गए थे। खार्टून शहर के मालाजी मार्केट के फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक सूडान के गृहयुद्ध में फंस गए। विद्रोहियों ने कंपनी में लूटपाट मचाकर सारा सामान ले लिया। इसके बाद वो करीब 150 भारतीयों के साथ एक हॉल में फंस गए। 8 दिनों तक बचे खुचे राशन से एक समय भोजन कर सभी लोग जिंदगी की दुआ करते हुए दिन बिताते थे। बताया कि हम लोगों को यूक्रेन युद्ध में भारतीयों को सुरक्षित निकल आने के चलते अपने तिरंगे पर पूरा भरोसा था। घर वालों से दिन में एक बार सिर्फ वॉइस कॉलिंग या मैसेज से बात हो पाती थी। सभी पैसे मोबाइल आदि लूट लिए जाने के बाद 8 दिन भयावह हालत में गुजरे। इस बीच अचानक भारतीय दूतावास से खबर आई और वो एक साथ 200 लोग पानी के जहाज से सऊदी अरब के लिए निकल गए। बताया कि दुबई में भी सभी भारतीयों की अच्छी सेवा हुई और हवाई जहाज से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। बता दे कि 3 भाइयों में सबसे छोटे राधेश्याम की माँ इंद्रासनी देवी और पिता बरसाती बेटे से मिलकर बिलख पड़े। पत्नी ब्रिजबाला और 7 वर्षीय बेटी प्रिया पिता को पाकर चहक उठी। हो गया, दो जनरल आपस में लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि अब क्या होगा? नहीं, हम लोगों को डर इसलिए नहीं लगा कि वहाँ बराबर के उन लोगों की यही काम है, हर साल कभी न कभी घिरते रहते हैं वहाँ पे, इसलिए सब देख चुके हैं उन लोगों का हालात, इसलिए कोई डर नहीं की कोई बात नहीं। जब ये लोग लूट फसाद करने लगे प्लांट में आकर के, ये पहली बार प्लांट में ऐसा सिचुएशन हुआ, इसके कारण हम लोगों को डर पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी हाथ धोना पड़े जिंदगी से। कितने दिन से हैं आप वहाँ पे? तो मैं तो 6 मंथ से था, 6 मंथ हुआ है मुझे। इस दौरान आपने जो काम वगैरह किया था, क्या कंपनी का कुछ पेमेंट वगैरह रह गया आपका, सैलरी वगैरह, क्या सब हो गया? नहीं, सब हो गया है, पेमेंट हो गया है, 1 महीने का बाकी है अप्रैल का। सड़कों की क्या स्थिति थी वहाँ, क्या खून खराबा ऐसे चल रहा था? हाँ, सड़कों पर भी हम लोग निकले तो सब बसला तो स्टैंड लगा लगा के सब खड़े हुए थे। उस समय युद्ध विराम था, इसी समय हम लोग निकले। इस दौरान घर के लोग भी घबरा गए होंगे, क्या आपसे घर के लोगों ने बात करने की कोशिश की? घर के लोग बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि मेरे ऊपर ऐसा बीत रहा है, इसलिए घर पर कोई घबराने की कोई बात ही नहीं थी। अब मैसेज डालते थे कि हम लोग सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ठीक ठाक हैं, वॉइस मैसेज हम डाल दिया करते थे। हमारे दोस्तों लोग मोबाइल ले लिए थे सब। आसपास के और कुछ लोग थे आपके? हमारे आसपास के नहीं, और डरवल के थे, डरवल के थे 2 ठे, गाजीपुर के, बलिया के 6 गो, आजमगढ़ के 8-10 गो, बिहार के हैं ऐसे ऐसे करके, बनारस के भी थे कुछ लोग। कहाँ से फ्लाइट से आप लोग वहाँ से कहाँ उतरे भारत में? हम लोग पोर्ट सूडान से सीधा गए सऊदिया शिप से, वहाँ से फिर फ्लाइट हुआ दिल्ली के लिए, दिल्ली से फिर बस। अब किसने किया था, अरे योगी जी का योगदान है या किसका है, वहाँ पे बस आई, उसके बाद हम लोग बस में बैठे, फिर होटल में ले आया गया हम लोगों को, खाना खिलाया गया, फिर वहाँ से रात में बैठा के फिर रास्ते भर सबको खाना खिलाते पिलाते बनारस आई गाड़ी, बनारस से फिर सबको 4 चक्का में बैठा के सबको अलग अलग भेजा गया जो जहाँ का था। किस दिन आप लौटे हैं? हम थे, पैसे तो कंपनी है तो कंपनी में पैसे कम से कम 10-20 करोड़ 25 करोड़ तो पैसे रहते ही हैं, वो भी ले गए सब, यही है वहाँ की स्थिति। तो आम लोग आए थे लूटपाट करने या असलहों के साथ, अपने शस्त्र के साथ सेना के लोग थे? जैसे उसमें हम लोगों को मालूम नहीं चलता था कि सेना है या
आम जनता है, सब वर्दी पहन के ही आते थे वहाँ से। आपने तिरंगे की बात की कि तिरंगे की वजह से हम लोग कैसे बच गए, एक कहानी सुनाई जैसा कि पेपर में चल रहा है, वो क्या बात है? तिरंगे में कोई हम लोगों का ऐसा कोई बात नहीं है। किस तरह से आपको निकाला गया, किस तरह से आप लोगों ने वहाँ के एम्बेसी से संपर्क किया और क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुआ? हाँ, हम लोग मोबाइल से संपर्क किए, नेटवर्किंग संपर्क किए एम्बेसी से, एम्बेसी से बात हुई, एम्बेसी हम लोगों से तेल मांगा तो हम लोग कंपनी से तेल निकाल के उसको दिए और वो बस वाले लेकर हम लोगों को आए खारतून से पोर्ट सूडान। पोर्ट सूडान पहुँचने के बाद सुबह रात में हम लोग पोर्ट सूडान पहुँचे। रात में सुबह पोर्ट सूडान पहुँचने के बाद वहाँ पे नेवी, इंडियन नेवी पहुँची सुबह। इंडियन नेवी पहुँच कर वहाँ पर थोड़ा राहत दी, बोले आप लोग घबराइए मत, मैं सभी भारतीयों को हम लोग निकाल के लेके जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग यहाँ सुरक्षित हैं। जो आप लोगों के साथ थे? हमारे साथ 230 थे। 230 तो सभी लोग एक ही फ्लाइट से आए या अलग अलग? नहीं, सब लोग एक ही फ्लाइट से आए, एक ही फ्लाइट से 400 आदमी आए। आपकी कंपनी में कितने इंडियन वर्कर थे? हमारे कंपनी में 230 से थे, 230 के लमसम थे। सभी लोगों की घर वापसी हो गई इंडिया में? हाँ, सभी लोगों की वापसी हो गई। हमारे प्लांट के, हमारे गोपाल गोपाल बाबू के अंडर में जितना प्लांट थे, जितने आदमी थे, उनके सभी चले आए। कौन सी कंपनी थी जिसमें आप काम करते थे? ओमेगा स्टील प्लांट, एक इंटरनेशनल था, एक जेली में प्लांट था, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ।